डियर स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे रिवर्स का। तो हम इंडस रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो इंडस रिवर सिस्टम के छोटे से की पॉइंट या डाटा हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा में लिखा है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडस रिवर का एरिया है, जिसमें इंडिया में 3,21,289 ठीक है 2,880 किलोमीटर लंबी है ये नदी टोटल लेंथ। इंडिया में 1,114 ये 111414 इंडस। देखो आई में भी वन लिखा है, ये वन इंडिया का आई एक ले लिया, ये फिर दो और तीन वैसे भी याद कर सकते हैं इसको। लेंथ 31° 15' नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 81° 40' ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये ओरिजिनेट होती है। एल्टीट्यूड है फिर आपको पता है 4 × 4 = 16, तो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर ये ओरिजिनेट होती है। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरी मेन देखते हैं हम, पहली है झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी, चौथी ब्यास, पांचवी सतलुज। अब एक बार इधर देख लेते हैं, देखो ये आ गए इंडस, इंडस इसके बाद आ गए झेलम। ये देखो झेलम एक बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया एरिया, इतने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एरिया, ये सारा ये इतना तो पाकिस्तान ने कब्जे में कर ही लिया है इतना। आगे देखते हैं चेनाब, चेनाब जो रिवर है ये चंद्र और भागा से मिलकर बनी है, ये और ये चेनाब इधर। उसके बाद रावी, ये रावी, ब्यास ये आगे हरिके में सतलुज के साथ मिल गई, ये ब्यास। ये है इंडस रिवर सिस्टम, यानी 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर ये सारा का सारा एरिया, बट ये इंडिया का 3,21,289 ये जो इंडस है इसकी हाइट बताओ मुझे थोड़ा सा। देखो ये देखो 4 × 4 = 16, अच्छा इसका एल्टीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे ईस्ट लगा होगा, अच्छा ये लॉन्गिट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड। आगे चलते हैं, सबसे पहले झेलम रिवर, झेलम बहुत कुछ झेला है, हम सांपों को भी झेलते हैं, सांप भी बहुत खतरनाक होते हैं, आदमी की मौत हो सकती है। आप सोच रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, अब देखो सांप बहुत बेरी होते हैं, अच्छा नाग बेरी नाग से निकलती है, एक स्प्रिंग है, एक झरना है बेरी नाग झेलम, जोड़ा मैंने इसको, सांप से बेरी होते हैं नाग, झेलम झेला जाता है उनको। पीर पंजाल पहाड़ी के साथ चलती हुई साउथ ईस्ट पार्ट में कश्मीर में ये एंटर करती है श्रीनगर, इसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है बुल्लर लेक, जहाँ पर वो मीठे पानी की सबसे ऊंची झील इंडिया की यही है, चेनाब के साथ मिलती है झंग में। अब देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, जी मैंने सांपों को बहुत झेला, तो सांपों में नाग भी होते हैं, अच्छा नाग बहुत बैरी होते हैं इसलिए झेला जाता है, तो बेरी नाग से झेलम निकली पीर पंजाल में, अच्छा वो बुलिंग भी बहुत करते हैं सांप, डराते हैं, बुल्लर लेक बहुत मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इसके साथ जोड़ा श्रीनगर भी इसी नदी के किनारे। आगे चलते हैं चेनाब ये सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये देखो यहाँ से आई चेनाब, ये देखो चंदर, ये भागा, ये देखो सबसे लंबी, अब देखते हैं कितनी लंबी, हिमाचल प्रदेश में 1,180 किलोमीटर चलती है ये है दो नदियों से मिली, चंदर और भागा, चंदर निकलती है चंदर ताल से, भागा निकलती है सूरज ताल से, दोनों याद, चंदर ताल सूरज ताल,
दोनों ही नदियां मिलकर एक एरिया में मिलती हैं जहां तांडी, तांडी एक प्लेस है किलोंग में है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और एंट्री के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। तो चेनाब, चे चंद्र, आब ब भागा, चेनाब चंद्र और भागा। आगे चलते हैं रावी, र से रावी, र से रोहतांग, रोहतांग पास कुल्लू में है। रोहतांग पास का नाम जो है वो रोहतांग होता है मुर्दों का टीला। ये एक ऐसा रास्ता था जिससे कुल्लू से लाहौल स्पीति की तरफ चलते थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर मर जाते थे, इसलिए वहाँ की स्थानीय भाषा में रोहतांग होता है मुर्दों की कब्रगाह। तो रोहतांग से निकलती है र से रावी, र से रोहतांग, कुल्लू वैली से चंबा वैली से चलती है। चंबा बहुत ही बढ़िया प्लेस है और ये सरी सिंधु के साथ ये क्रॉस करती है पाकिस्तान में। पीर पंजाल और धौराधार पर्वतों के पश्चिम में चलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये डलौजी यहाँ और पीर पंजाल, इसके साथ कश्मीर की बाउंड्री लगती है ऊपर। तो ये आगे चलते हैं हम ब्यास, ब्यास कुंड से निकलती है रिवर, तो नियर रोहतांग पास। देखो रोहतांग पास ये है, एक रावी इधर चली गई, ये ब्यास इधर चली गई, जाती तो दोनों पाकिस्तान में, निकलती तो पास पास में। ये देखो ये और ये, एक नीचे की तरफ आ गई, ये ऊपर की तरफ चली गई। आगे देखते हैं, ब्यास कुंड में निकलती है तो ब्यास जी 4000 मीटर ऊंचाई, 4000 ब्यास। देखो 1 2 3 4, ब्यास में 4 डिजिट हैं तो 4 लिख दिया, बाकियों को 3 को 0 लगा दिया। तो 4000 मीटर की ऊंचाई के साथ निकलती है, कुल्लू वैली में निकलती है। लारजी प्रोजेक्ट भी है इधर, गॉर्ज भी बनाती है और सतलुज में मिलती है। ब्यास नदी सतलुज में मिलती है हरी के स्थान पर, फिर आगे पाकिस्तान में तो सतलुज जाती है, ब्यास तो इंडिया में रह जाती है क्योंकि मिल गई तो फिर वो सतलुज बन गई। आगे देखते हैं, सतलुज राक्षस ताल से निकलती है, वो है मान सरोवर के पास, यानी मानव राक्षस बन गया था सतलुज। एल्टीट्यूड है 4555, मैंने 455 ही याद करना है, क्यों देखो सतलुज में ये एस जो लिखा है, ये 5 भी हम ऐसे लिख देते हैं कई बार, 5 ऐसे एस। तो जब भी सतलुज नदी के बारे में आपको कुछ बताया जाए तो आपने 4 तो याद कर लेना है और ये जो 5 है 3 बार याद कर लेना है। देखो 1 2 3 5 5 5, तो हमें ये याद हो गया। तिब्बत में लांगचिंग ख्वाब है एक जगह जहाँ से निकलती है 400 किलोमीटर बिफोर एंट्रिंग इंडिया, ये पहले 400 किलोमीटर चल लेती है तिब्बत में फिर इंडिया में एंट्री करती है। शिपकीला जो किन्नौर में है एक पास जिससे इंडिया में एंटर करती है, तो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी इसी नदी पे है। तो एक बार बहुत ध्यान से हम देखते हैं, सिंधु नदी हमने देख ली, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हमने जान ली। एक चीज़ और जान लो, विश्व बैंक ने एक समझौता किया जिसका मतलब है 20% ही हम पानी यूज़ कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। झेलम रिवर जो है उसका सीधा सीधा मकसद है बेरी, बेरी नाग झेले जाते हैं नाग, बेरी नाग से निकलती है, याद हो गया आपको। आगे चलते हैं भाई, हम सबसे बड़ी नदी के बारे में बोल रहे हैं, ट्रिब्यूटरी के बारे में सिंधु के बाद, तो चेनाब, चंद्र और भागा, चंद्र ताल सूरज ताल दोनों तांडी, तांडव किया, तांडी के स्थान पर मिली, आगे गई। फिर आगे रावी जी, रावी तो रोहतांग से निकली, रोहतांग तो मुर्दों का टीला कहलाता है, मुर्दों का टीला क्योंकि यहाँ क्रॉस करते थे लाहौल स्पीति के से कुल्लू के लिए, तो यहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी, तो रोहतांग रावी, ठीक है। आगे ब्यास, 1 2 3 4, अच्छा 4000 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग के पास, फिर सतलुज में मिलती है हरी के स्थान पर, सतलुज, अच्छा 4 5 5 5, 3 बार 5 4, ये देखो ऐसे याद करने के तरीके होते हैं ज्योग्राफी करने के।
आगे चली, ये 400 किलोमीटर निकल चुकी है, फिर एंड्रिया में शिपकिला से एंटर कर लिया इसने, फिर आगे हरिके में मिली, यहाँ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी है, इसको और भी कहा जाता है कुछ, देखते हैं, लांगचिंग ख्वाब जगह है वहाँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद करनी है और समझनी है। ज्योग्राफी समझने से आती है, याद करने से नहीं आती, और समझा इससे जा सकता है। धन्यवाद।